Hello everyone, welcome back to DoubtNet guys. So today we are going to do the part second of this chapter, strategy for enhancement in food production. Last class mein hum logon ne animal husbandry dekh liya tha, roughage, concentrates, green revolution, MS Swaminathan, Bordelug, white, silver revolution, exotic breeds, cattle breeds ki classification, diseases cattles mein, economic importance, goat, easily digestible, poultry farm management and poultry diseases. Today we are going to discuss the next part, that is animal breeding. ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग के अंदर क्या होगा? इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. ब्रीड कराना, मल्टीप्लाई कराना उनको, ताकि बेटर वेराइटीज आप कर पाए, जैसे करन फ्राइज या करन स्विस, जिसमें थार पारकर वगैरह ये इस तरीके की जो चीजें थी, वो बातें, साहिवाल, वो बातें यहाँ पर की जाएंगी. क्या पर्पज होता है, क्यों की जाती है? टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल्स, जो हमें चाहिए स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में. तो दिस इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल्स, डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल्स. क्यों किया जाता है काम? यील्ड बढ़ाने के लिए एंड इंप्रूव द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूव द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. किसको ब्रीड कराओगे? तो आप पढ़ चुके हो इलेवेंथ में, फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है, स्पीसीज वो होती हैं जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. तो हर एक बार ऐसा नहीं होगा कि किसी को भी किसी के साथ करा दो. करा भी देते हो कई बार हॉर्स वर्सेस डंकी, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है म्यूल या इन्हीं जो बन रही हैं वो काम ही नहीं कर पाती कुछ भी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ब्रीड के बीच में ही होना चाहिए. तो ब्रीड क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ब्रीड? तो ब्रीड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट करेक्टर्स. डिसेंट मतलब जनरेशंस टू जनरेशंस. डार्विन का इवोल्यूशन में हमने पढ़ा था ब्रांचिंग डिसेंट. बाय डिसेंट एंड similar in most characters. ठीक है, जैसे अपीयरेंस, फीचर्स, साइज, लाइक अपीयरेंस, फीचर्स, साइज एटसेट्रा. क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, हमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, डिजीज से रेजिस्टेंस बढ़ानी है, वो सारे काम जो मैनेजमेंट में कर रहे थे आप, उन्हीं सब कामों के लिए किया जाता है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग? अगर मेटिंग या फर्टिलाइजेशन बिटवीन सेम ब्रीड कर रहे हैं तो इन ब्रीडिंग, और डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में कर रहे हैं तो आउट ब्रीडिंग. टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग. क्या होता है टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग में? सबसे पहले होता है इनब्रीडिंग. जिसमें होता है मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड. ज्यादा शोरगुल करने का अपना कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए. सिंपल काम की बात ध्यान देनी है, क्लास अटेंड करनी है, जाके पढ़ लेना है, घर पे अपना काम हो जाएगा. दैट्स एज सिंपल इज दैट. मेटिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स. ये एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड. अब आप कहोगे भैया इसमें क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है. बिल्कुल, ये बहुत ही सिंपल सी बात है. इसमें कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट टर्म है, मालूम होना चाहिए. इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग. इन ब्रीडिंग के अंदर आप क्या करोगे? हमेशा क्लोज ही
कोशिश करोगे मल्टीप्लाई करने की, तो पहले उसी की बात कर लेते हैं अपने। तो पहले हमने इनब्रीडिंग की बात कर लेनी है कि इनब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट में हम क्या बात करेंगे। दो बातें हम यहां पे करेंगे। अगर आपने पेरेंट्स को अपनी प्रोजनी के साथ, ऑफस्प्रिंग के साथ क्रॉस कराया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रीडिंग। क्या होता है इसमें, एक होता है क्लोज ब्रीडिंग जिसमें पेरेंट को हम लोग क्रॉस करते हैं विद प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग, ठीक है, बड़ी नजदीक वाली हो गई। तो दूसरी होती है कजन मीटिंग, थोड़ी सी दूर वाली, डायरेक्ट पेरेंट नहीं इन्वॉल्व होता। कजन मीटिंग, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस। कौन क्रॉस होता है, क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स या इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड। Four to six generations. तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग और क्लोज ब्रीडिंग। दो सिंपल से हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, दोनों हमें बहुत ही क्लियरली पता होने चाहिए, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है इसका कि अगर सेम उसमें कर लिया आपने, तो what is the advantage of inbreeding? Advantages of inbreeding की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या एडवांटेज है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, क्योंकि सेम तरीके के एलील्स, उसमें भी एच स्मॉल एच था, आप में भी स्मॉल एच स्मॉल एच था, तो जैसा पुराना था वैसा ही जाइगोटिक चलता रहता कल्चर। जैसे आपने देखा भी होगा पी प्लांट वाले, उसमें भी अगर एफ वन टी स्मॉल टी भी है तो अगले जनरेशन में टी स्मॉल टी इंटू टी स्मॉल टी क्रॉस भी होगा, तो या तो कैपिटल टी बन जाएंगे या स्मॉल टी कुछ बन जाएंगे, यानी होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी पहले के कंपैरिजन में एंड प्रोड्यूस प्योर लाइंस। और क्या होता है इसके अंदर, ऐसा करने से सुपीरियर ट्रेट्स आप हमेशा सेलेक्ट करते हो, तो एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स, एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, जो सुपीरियर जीन्स है वो क्या हो जाते हैं बेटा, एक्यूमुलेट, एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स। And elimination of less desirable genes. ठीक है, तो ये बड़ी important बात है सारी की सारी, हमसे कभी भी पूछी जा सकती है, question आ सकता है, important है, पूछा जाता है, तो ये question भी पूछा जा सकता है। Advantages क्या है, disadvantage क्या है, कि जब रिसेसिव ट्रेट कभी कभी होमोजाइगस अपीयर होगा, तो यानी आप पहले से कई बार होमोजाइगस से बढ़ाओगे तो हेट्रो और होमो दोनों ही बढ़ेंगी, तो लेस जिसके इफेक्ट थे अगर वो ट्रेट बढ़ रही है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग, क्या डिसएडवांटेज है, एक्सपोजर्स, क्योंकि होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है तो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय नेचुरल सिलेक्शन।
दैट आर एलिमिनेटेड बाय नेचुरल सिलेक्शन. तो बार बार अगर हम कॉन्टिन्यूस करेंगे इन ब्रीडिंग को, तो क्या नुकसान होता है? कि कॉन्टिन्यूस इन ब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज ब्रीडिंग, जस्ट ए सेकेंड गाइस, स्पेशली क्लोज ब्रीडिंग reduces fertility and productivity. ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए. इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, आ सकता है एग्जाम के अंदर. So we should be knowing this also, ठीक है. उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि इस कंडीशन को कहते क्या है. दिस इज कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. दिस इज कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है. तो इनब्रीडिंग की बात हो गई हमारी. इनब्रीडिंग के बाद कौन सी बात करनी है? आउट ब्रीडिंग. आउट ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो पहले हम बात कर चुके हैं, ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी उनके बीच में सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए. तो आउट ब्रीडिंग में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और सारे के सारे टाइप हमें पता होने चाहिए. लेट्स टॉक ऑफ आउट ब्रीडिंग. आउट ब्रीडिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं आउट क्रॉसिंग की. आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड मे बी, बेसिकली ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स, विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, which may be between individuals of same breed but having no common ancestor. But having no common ancestor. ठीक है, इसको कहते हैं आउट क्रॉस. इसी आउट ब्रीडिंग का दूसरा टाइप होता है जिसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग. आउट क्रॉसिंग हो गया ना, क्रॉस ब्रीडिंग, जो आई थिंक वर्ड से ही बता रहे हैं. क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या, बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स. ठीक है, और स्पीसीज अगर 3 हो जाए हमारी, तो उसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. क्या बोलते हैं उसको, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. तो 3 टाइप हो गए आउट ब्रीडिंग के, ए बी और सी. ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो आउट क्रॉसिंग की बात कर लेते हैं हम इसमें सबसे पहले. तो आउट क्रॉसिंग के अंदर क्या होता है, नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड अप टू 4 to 6. जो पुरानी
बात है, कम से कम चार से छह जनरेशन तक कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी। क्यों किया जाता है ये आउट क्रॉसिंग? डन टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, चार से छह जनरेशन तक कोई सिमिलैरिटी होनी नहीं चाहिए। क्रॉस ब्रीड की बात कर लेते हैं, जिसमें आप दो डिफरेंट ब्रीड्स को क्रॉस करने की बात कर रहे हैं। क्रॉस ब्रीड में क्या किया जाता है? इफ वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट क्रॉस ब्रीड, तो दो अलग अलग ब्रीड्स की सुपीरियर वेराइटी को क्रॉस कराया जाएगा, और तो इसका कोई काम होगा नहीं। जैसे हिजार्डले, एग्जाम्पल के तौर पे हम इस नाम को ले सकते हैं कि हिजार्डले क्या होता है, क्या क्रॉस कराया जाता है और क्या बनता है। ये एक न्यू ब्रीड ऑफ शीप है। दोनों शीप की जो बेस्ट क्वालिटीज होंगी वो लाने की कोशिश की जाएंगी। नीट वाले लोगों के लिए पूरा थ्योरेटिकल पार्ट रटना नहीं जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, डेफिनेशन इतना ध्यान नहीं देना है। तो किस किस का क्रॉस होता है? बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स। बीकानेरी ईव्स क्रॉस्ड विद मेरिनो रैम्स। पता चल गया होगा बीकानेरी इंडिया वाली है और ये जो बाहर वाली है वो क्या है? मेरिनो रैम्स। ये एग्जॉटिक ब्रीड है। तो ये जो इस तरीके का क्रॉस किया जाता है, इसको हम लोग जो है बेटा इस कैटेगरी में मानते हैं। जैसे करन स्विस आप पहले पढ़ चुके हो, करन फ्राइज आप पढ़ चुके हो, है ना? पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था करन स्विस, इंडिया की साहिवाल ले ली, वहां की स्विस ले ली, है ना? या पहली पढ़ चुके हो, ऐसी आपने करन फ्राइज भी पढ़ा था, थार पारकर इंडिया की ले ली, और होलस्टिन फ्रिजियन वाली जो है वो दूसरे कंट्री की ले ली ब्रीड। तो इस तरीके से बनाते हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें दो डिफरेंट स्पीसीज जो है वो मेट करा दी जाती हैं। जैसे म्यूल को प्रोड्यूस कर लिया जाता है। म्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है? मेल डंकी विद फीमेल हॉर्स। क्रॉस विद फीमेल हॉर्स। जैसे हिनी कैसे प्रोड्यूस की जाती है? मेल हॉर्स विद फीमेल डंकी। ऐसे वाले को हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सी में और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आपने इंटर स्पेसिफिक की बात की थी? तो इसके अंदर क्या हो सकता है? मेल हॉर्स विद फीमेल डंकी। मेल हॉर्स विद फीमेल डंकी, इसमें आएगा जेनेट और दूसरे वाले में आएगा स्टेलियन, है ना? वो आप जानते ही होंगे, जैकेट और मेयर को, तो जो ऊपर आपने बात की थी मेल फीमेल का नाम भी एक्सपेक्ट किया, आपको पता होगा। ठीक है, दोनों जो आपने प्रोड्यूस किए हैं, चाहे आपने म्यूल प्रोड्यूस कर लिया या हिनी प्रोड्यूस कर लिया, दोनों ही केसेस में हिनी को कैसे बनाया गया? ऐसे बनाया गया। बोथ जो है स्टेराइल होते हैं क्योंकि उनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो ऑड होता है। Both mule and hini are sterile due to odd number of chromosomes. कैसे? मान लो हॉर्स में 64 हैं, डंकी में 62 हैं, तो डिवाइड करोगे तो 63 आ जाएगा उनका, टू से प्लस करके डिवाइड करोगे तो वही बनेगा, गैमेट 2n से हाफ होते हुए बनते हैं, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर होती।
और क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिसमें हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं? ये तो नेचुरल था सारा, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स उसकी बात कर लेते हैं। नाउ वी कैन टॉक अबाउट कंट्रोलिंग द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, या दूसरी भाषा में कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। एक तो आप ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर से पढ़ के ही आए हो, कौन सा पढ़ के आए हो? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कौन सा पढ़ के आप उस चैप्टर से बेटा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है इसमें? सीमन करेक्ट कर लेते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंसेमिनेट कर देते हैं, सीमन कलेक्टेड फ्रॉम मेल, ठीक है, एंड विच इज चूजन एज पेरेंट। एंड ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर कर देते हैं? सिलेक्टेड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो इससे यूज की जा सकती है। एडवांटेज क्या है इसका, या कहाँ कहाँ काम आता है? फ्रोजन सीमन स्टोर हो सकता है लंबे पार्ट तक, ये तो बात है ही। मैनी काउस कैन बी फर्टिलाइज्ड बाय सीमन कलेक्टेड फ्रॉम वन बुल। एक बुल से जो आपने सीमन सीमन लिया है उससे आप बहुत सारों को फर्टिलाइज करा सकते हो, ये इसका फायदा है। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो इसमें काम आती है वो आती है मल्टीपल ओवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, टेस्ट ट्यूब बेबी में जैसा आप करते थे। MOET क्या करते हैं हम? MOET में मल्टीपल ओवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में FSH हार्मोन जो है वो देते हैं किसको? काओ को। हम जानते हैं इसके पीक से ओम रिलीज होते हैं टू इंड्यूस सुपर ओवोल्यूशन। इसकी पीक से ओवुलेशन बनता है FSH और LH से, ठीक है। अगर सुपर ओवुलेशन होगा ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस होंगे, क्या होगा? ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस होंगे, 6 to 8 एग्स पर साइकिल। प्रोड्यूस्ड रेदर देन वन एग, नॉर्मली कितने प्रोड्यूस होते हैं? वन एग पर साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल में। यहाँ पे आपने 6 से 8 प्रोड्यूस करा लिए हैं, तो जो ये वाली एक्टिविटी है जो आपने ये कर लिया है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे? उसको फर्टिलाइज करा दोगे। विद बुल, जो भी सुपीरियर बुल आपने सिलेक्ट कर रखा होगा। अब 6 से 8 है गए तो एम्ब्रियो भी 6 से 8 ही बन जाएंगे, तो जो फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे उन सबको ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू सरोगेट मदर्स। ऑल दीज फर्टिलाइज्ड एग्स जैसा उसमें करते थे आप टेस्ट ट्यूब में, वैसे 8 to 32 सेल स्टेज
ट्रांसफर टू सरोगेट मदर्स, ये वाला काम आपने कर दिया, और जेनेटिक मदर जो है फिर से सुपर ओवुलेशन के लिए तैयार हो गई। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम वी कैन इंक्रीज द सुपीरियर हर्ड साइज इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, इट हेल्प्स अस। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये हमारी बात हो गई मेन ब्रीडिंग वाली, कि ब्रीडिंग में एनिमल ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग क्या होता है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो हमने बात यहाँ पे कर ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बी कल्चर, कि हमें अगर बीज को रखना है तो हम कैसे रखेंगे, क्या क्या उससे प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन टॉक अबाउट बी कल्चर। ठीक है, बी कल्चर को हम क्या कहते हैं, एपिकल्चर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, एपिकल्चर। क्या कहते हैं हम हनी बी, इसको मेंटेन करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी, डन फॉर हनी प्रोडक्शन। इनका मेन काम क्या होता है, हनी को प्रोड्यूस करवाना। ज्यादातर केसेस में यही हमारा कांड रहता है जो हम बनाते हैं। ठीक है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, क्यों करते हैं हम हनी को, हनी इज यूज्ड एज मेडिसिन इन आयुर्वेदा। एंड इट इज हाईली न्यूट्रिटिव। इट इज हाईली न्यूट्रिटिव। ठीक है, और क्या होता है हनी से, या इनसे बी वैक्स भी मिलता है जो पॉलिश और कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। पॉलिश और कॉस्मेटिक इन ये, तो इंडिया में सबसे कॉमनली कौन सी यूज होती है, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया विच इज बी कीप्ड इज एपिस इंडिका। नाम से ही पता चल जाएगा वैसे, एपिस इंडिका कॉमन इन इंडिया। कोई भी काम करने का रीजन तो होना चाहिए ना, क्यों कर रहे हैं, तो वो रीजन हमें सबसे पहले बताया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है टाइप्स ऑफ हनी बीज, जिस पे क्वेश्चन आ जाता है NTSC में कभी कभी, या एग्जाम में आ सकता है, NTSC में तो आया ही है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ हनी बी। तो सबसे पहली होती है एपिस डोरसाटा। कौन सी होती है, एपिस डोरसाटा। रॉक बी, क्या प्रॉब्लम है, जिसके साथ लार्जेस्ट साइज होती है, हाईली एग्रेसिव होती है, इसलिए रेयरिंग नहीं हो पाती, हाईली एग्रेसिव तो नॉट रेयर्ड, बात बात पे काटने दौड़ने वाली, लार्जेस्ट साइज। इसी को कुछ लोग सारंग बी के नाम से भी जानते हैं। ऐसी दूसरा होता है एपिस इंडिका, जो भी आपने बात करी थी, जिसको इंडियन बी भी बोलते हैं, इंडियन बी। ठीक है, इसकी क्या खास बात है, स्मॉलर देन द फर्स्ट वन, एग्रेसिव नहीं होती, मैनेजेबल होती है ड्यूरिंग रियरिंग। ऊपर वाले का एग्रेसिव नेचर है, तो इसका कैसा नेचर है, माइल्ड। तीसरा होता है लिटल बी, इसको बोलते हैं एपिस फ्लोरिया।
लिटल बी, एफ छोटा रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही छोटी है, नॉट सुटेबल फॉर कमर्शियल पर्पस। And the last is Apis mellifera. Apis mellifera. जो सबसे ज्यादा हमें प्रोड्यूस करती है हनी, Apis mellifera, यूरोपियन या इटालियन बी? इटालियन बी वाला क्वेश्चन आया था, इटली यूरोप में, आई थिंक ये बात तो हम जानते ही हैं, इटली कहाँ है? यूरोप में है, और ये बात हम जानते हैं। इल्स मोर हनी देन, इल्स मोर हनी देन इंडियन बी, जो भारत वाली मधुमक्खी है इंडियन बी है उससे ज्यादा प्रोड्यूस करती है ये, ठीक है, सो मोस्ट यूजफुल फॉर कमर्शियल पर्पस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये भी कि सबसे ज्यादा कमर्शियल यूज में ये आती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें और होती हैं बी में, जैसे बी विनोम यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किसके इलाज में इस्तेमाल होता है बी विनोम? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पॉलिनेशन कराता है, बेस्ट पॉलिनेटर होता है, बीज आर गुड पॉलिनेटर्स। फॉर सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल, एप्पल एक्सेट्रा, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये बी के बारे में बात हो गई सारी, बी पे से क्वेश्चन आएगा तो इतनी बात ध्यान रखनी है। सिल्क की बात कर लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिल्क यूज करते हैं हम लोग हमारे यहाँ पे, जिससे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या होता है, कौन कौन सी स्पीसीज मेनली यूज आती हैं, उस पर ध्यान रख लेना बस हमें, ठीक है। तो सिल्क के बारे में ध्यान रख लेना है, सिल्क की रेयरिंग वगैरह जब करते हैं हम लोग, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म का एक तो नाम ही ध्यान रख लेना है, क्या होता है सिल्क वॉर्म का नाम? बॉम्बेक्स मोरे। एन स्मॉल रख लेना, वो बाइनोमियल की वजह से बेटर रहेगा। तो क्या है बॉम्बेक्स मोरे? रियर्ड होती है और ये रियर्ड होती है, बाकी वाइल्ड स्पीसीज है, वाइल्ड स्पीसीज कभी भी रियर्ड नहीं हो सकती हैं। तो मलबरी सिल्क, इसलिए आप मलबरी आपको बहुत आसानी से मिलती है, एरी सिल्क, अरुंडी सिल्क, म्यूगा सिल्क, कौसा सिल्क, के नाम जो है आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। आप जानते होंगे सिल्क वॉर्म डेवलप कैसे करता है, सिल्क वॉर्म में पहले एग बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर इमैगो बनता है, प्यूपा बनता है, दो स्ट्रक्चर्स और बनते हैं, प्यूपा एंड इमैगो, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं पूछ लिए जाते हैं, लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा इनटू एडल्ट या इमैगो में कन्वर्ट होता है। एडल्ट क्या है यहाँ पे बेटे? इमैगो। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और चारों स्टेजेस होते हैं इसके लाइफ स्पैन में, इसलिए आपने 11th में एनिमल किंगडम में पढ़ा होता है, इसे होलो मेटाबोलस इंसेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होलो मेटाबोलस इंसेक्ट, क्योंकि इसमें क्या है, ऑल स्टेजेस हैं, होलो मेटाबोलस इंसेक्ट, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल में चारों स्टेजेस हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड इमागो, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फिश कल्चर, पिसिकल्चर। इसकी बात करनी है हमें, पिसिकल्चर। या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिश कल्चर। क्या करना है हमें इसे?
फिश को कैच करना है, प्रोसेस करना है, रियर करना है, सेम ही काम है हमारा। ध्यान रखना है एक्वा कल्चर में हम सभी एनिमल्स को देखते हैं और पिसिकल्चर में सिर्फ पर्टिकुलरली किसको देखते हैं, फिश। कौन से रेवोल्यूशन हुए थे इसमें? ब्लू रेवोल्यूशन, ये बाद में हम जानते हैं। इंडिया हैज सिक्स्थ पोजीशन इन वर्ल्ड, इंडिया हैज सिक्स्थ पोजीशन इन वर्ल्ड इन फिश प्रोडक्शन। कौन से नंबर पे आता है भारत? छठे नंबर पर, सिक्स्थ रैंक पे आता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इसमें, आपने शायद 9th-10th में भी ये चीज पढ़ के आए होंगे। अगर आप एक ही पॉन्ड में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश को रखते हैं तो उसे कहते हैं कंपोजिट फिश फार्मिंग या पॉलीकल्चर, प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग डिफरेंट फिशेस इन सेम पॉन्ड। इन सेम पॉन्ड क्या कहते हैं इसे? कॉल्ड एज पॉलीकल्चर और फिश फार्मिंग। क्या करते हैं इसके अंदर हम? ऐसे रोग रख लेते हैं कि मान लो कोई फिश बॉटम फीडर है, कोई सरफेस फीडर है, तो वो दोनों कभी एक दूसरे के न्यूट्रिशन के साथ इंटरप्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, फिश का मीट क्यों खाया जाता है? क्योंकि माना जाता है कि फिश के मीट में, ऐसा कहते हैं कि फिश मीट has certain very good qualities, जैसे कि essential amino acids, like lysine, methionine, etc. comma कुछ फिशेस ऐसे भी हैं विच कंटेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विच रिड्यूस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इट ऑल्सो रिड्यूसेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड साथ में क्या करते हैं? स्ट्रेंथन द कार्डिक मसल्स ऑफ हार्ट। Due to presence of omega 3 fatty acids. Important बातें दो नहीं, कभी कभी हम fishes में breeding induced भी करा देते हैं, तो वो भी एक question के तौर पे हमसे पूछा जा चुका है, पूछा जाता है कहीं कहीं पर, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद list, Remember the names of different fishes. There are many freshwater fishes. Rohu, Katla, at least दो नाम याद रखने हैं। Freshwater fishes में आगे चल पढ़ते हैं हम लोग। देखिए total 10 fishes हैं। उसके बाद exotic fishes लिख लीजिए बाहर की जो हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, silver carp, grass carp, common carp, मैगूर, सिंगाड़ा, etc. मैराइन फिशेज में कौन सी हैं? हिल्सा, पॉम्फ्रेट, ईल, बॉम्बे डक, सेडाइन एंड सेलमोन। ये सारी की सारी क्या हैं? मैराइन। तो फ्रेश वर्सेस मैराइन वाटर फिश का जो एग्जांपल है वो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और अगर हमें पता रहेगा तो उससे हमारा फायदा ही फायदा है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। द लास्ट थिंग विच वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इन दिस चैप्टर इज इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। What is induced breeding? The technique to do what? Increase the productivity of fishes.
ब्रीडिंग कैसे करते हैं इसको, डन बाय मतलब डन बाय यूजिंग केमिकल्स सच एज ओवेरेपिन, डन बाय ओवेरेपिन। तरीका वही है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, तो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन को फिर वो FSHLH को काम करेगा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ के आए हो, विच इज अ सिंथेटिक एनालॉग ऑफ GnRH और सिंथेटिक GnRH। तो ये हो गया भाई हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट। हमें पिस्सिक कल्चर और ये सारे कल्चर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, इसके बाद कभी भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं सारे के सारे सवाल कि फिशेस कैसे काम करती हैं, हनीबी इस पर हम कैसे काम करेंगे, या फिशेस और हनीबी के अलावा एग प्रोडक्शन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्रीडिंग्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को बेटा, कोई अगर सलाह है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, इफ इट्स कंसिडरेबल वी विल कंसिडर इट। दिस इज अभिमन्यु भैया, NSP सेंटर विद्या मंदिर। बाय बाय गाइस, सी यू सून अगेन।